हिराजी वेलकम बैक टू तो द शो है कुछ जवाब और मैं बात कर रही थी ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब से जिनका ये कहना था कि आई का कोई पॉलिटिकल विंग है ही नहीं इस नाम की कोई भी चीज़ या कोई भी विंग आई में एग्जिस्ट नहीं करता अगर मैं आपकी इस बात को ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब सही मान लूं तो फिर मुझे ये भी साथ बता दीजिएगा कि जो असगर खान की जो पटिशन थी वो किसके खिलाफ थी और जो पैसों का इल्ज़ाम था कि आई एम बनाने के लिए पैसे दिए गए जिसकी असद दुरानी जो कि सबक़ डी जी आई एस आई है एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया मेरा आन-बैंक स्कैंडल और अब ये ये ट्रस्ट के जो साहब इनकी ये तमाम चीजें किसके खिलाफ है? मैंने तो ये नहीं बोला कि का में नहीं है कि वो बंद हो गया पॉलिटिकल विंग नहीं है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जब फौजी हुक्मरान रहे हैं चारों उसमें चूंकि उन्होंने वोट के ज़रिए नहीं आते उनको बाद में सियासी पार्टियों की मदद की ज़रूरत होती है तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके लिए मैनिपुलेशन करके पार्टियों उनके लिए बनाते हैं तो रोल उनका है लेकिन आपको मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो सब लोग बोलते हैं कि जी पॉलिटिकल सेल बंद हो गया पॉलिटिकल विंग बंद हो गया जो इंटरनल विंग है जिसका इंटरनल सिक्योरिटी से काम अच्छा तो मुझे साथ में, में ये भी बताएं कि क्या आईएसआई का आईएसआई का ये मैंडेट है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के दरमियान ये मैनिपुलेट करें उनको उनका मैंडेट नहीं है ये इसीलिए बोलते हैं कि जी 1975 में दिया गया वो इसलिए नहीं दिया गया था वो एक हैदराबाद ट्रिब्यूनल के लिए दिया गया था कि ताकि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको कोर्ट एज एविडेंस मान ले उसके बाद जब तक इंटरनल सिक्योरिटी का रोल इनके पास रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी में तो आप हर एक चीज वो बोलेंगे कि जी इंटरनल सिक्योरिटी में आता है तो जब तक अच्छा, इसकी चीजेंगे अगर ये इनका नहीं, नहीं था ब्रिगेडियर साहब और ये अपने मैंडेट से तजावुज करते रहे तो कोई इनको रोकने वाला नहीं था इतना एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन है ये नहीं आप तो मैंने आपको ये नहीं बताया मैंने तो आपको बताया है कि जी जब फौजी हुकूमत होती है ये करते हैं उसके बाद आई में आई, जाए, आई जाए इन्होंने बनाई 1989 में बेनजीर के खिलाफ वोट ऑफ़ लेकिन नो, इनका तो ये नहीं कि वो आई आई जी आई बनाते वो तो मैंडेट ये बोलते हैं ना कि जी 75 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है उसके तहत हम पॉलिटिकल पार्टीज को मॉनिटर कर सकते हैं लेकिन उसमें ना ये सियासी जुमात बना सकते हैं ना ये मैनुपलेशन कर सकते हैं तो से तेजावज किया ना फिर उन्होंने तेजावज किया बिल्कुल बिल्कुल मैंडेट से तेजावज किया तो किसी ने इसको चेक किया किसी किया। ने उनको रोकने की कोशिश की क्या इतना एम्पावर्ड एजेंसी इतना एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन कि वो मैंडेट से तजावुज कर रहे हैं और कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है आप उनको कोई रोकने वाला इसलिए इससे अंदाजा लगा ले कि 1996 से एक केस था 1999 तक सुना गया उसके बाद यह 2012 हो गया 16 साल हो गए अभी वो केस सुना जा रहा है तो ताकतवर तो हैं ठीक है अच्छा ठीक है एक सेकंड यास्मीन रहमान साहबा आपने ये तमाम गुफ्तु सुन ली है आप लोग की हुकूमतें भी आती नहीं आए जया किस मकसद से बनी आप लोग ही उसी के असल में डसे हुए हैं आप लोगों ने भी कभी कोशिश नहीं की कि यसगर खान की पटिशन जो इसी आपके ही देखा जाए तो आपके फेवर में एक दायर हुई भी थी आपने इसको कभी रीओपन करवाने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने इस पर कोई एफर्ट्स नहीं किए नहीं देखें अभी भी अगर कोशिश की है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हकुमत में ये केस नहीं इस कोशिश में, हो में हो तो आप लोग और... ना ना। अब क्रेडिट ना लीजिए वो देखें अपनी जगह पे ठीक है वो आजाद अदारा है या जिस तरह भी है लेकिन टाइम एंड अगेन अगर आप अपने टॉक शोज देखें मीडिया का कैंपेन्स देखें हमारे एम एन एज या हमारे पार्लियामेंट में देखें अब पार्लियामेंट अलहमदिल्ला इस वक्त माजी से बहुत एम्पावर्ड है मैं बड़े वसूक से यह बात कहूँगी वहाँ पर चीज़ें ऐसी डिस्कस होती हैं जो माजी में नहीं नो गो एरिया समझे जाते थे अभी वक्त आ गया है कि हम एक डायरेक्शन की तरफ चले और जमहूरी अमल को मजबूत करने के लिए मैंने जैसे पहले कहा गैर जमूरी अमल को मार्जिनलाइज़ करना और उनको ख़त्म करना उस रोल को ताकि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम अवॉल्व हो सके इन्होंने फ़रमाया कि उस वक़्त जो पैसा दिया गया तो वो एन टी पी 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 मैं ये कह रही हूँ कि एन टी पी पी पी, पी आ, कैंडिडेट्स को दिया गया लेकिन मैं नहीं समझती कि इनका कोई रोल ऐसा कि जब डिक्टेटरशिप आती है तो यक़ी अगर उनको वोट की या सियासतदानों की जरूरत पड़ती है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए यह बहुत गलत बात है कि कोई भी एजेंसी फिर उनके लिए क्रिएट करे जैसे दो में भी हमने देखा कि फिर पार्लिया पेट्रियाट एक पी 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 पेट्रियाट क्रिएट की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट था उसको कम करके और एक अब मुझे बताइएगा कि खैरी की से

ियत को मजबूत होने के लिए आपने जो कहा कि जो पार्टीज ने इस तरह पैसा लिया और उस वक्त पैसे को गलत इस्तेमाल करके आ, उन्होंने अपनी बनाई तो यकीनन उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए उनसे रिकवरीज होनी चाहिए और यकीन उनके जो जो भी साबित हो कोर्ट में अब क्योंकि केस कल आना है और जिनके अगेंस्ट साबित हो तो उनके अगेंस्ट तो अगेंस कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए ताकि से अब समाते चलती हैं तो उनको रिकवरी चाहिए और उनपे ये पाबंदियां तो लगाना नहीं लगाना खैर बड़ी बड़ी पार्टी हैं क्या कहें तमिना तुल्ताना साहबा टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम नून की रहनुमा तमीना साहबा जी तमिनाल्ताना साहब ये फरमाएगा कि आज पहले तो असगर ख़ान की वो पटिशन जिसमें उन सियासी पार्टीज़ के नाम जो आई जी आई का हिस्सा थी जिनको आई एस आई के पोटिकल विंग ने फैसिलिटेट किया उनको पैसे दिए उसकी कल कल समात होने जा रही है आज अलजात ट्रस्ट के सरबरा ने भी एक और पटिशन दायर किया कि जी जिन्होंने पैसे लिए थे वो पैसे वापस करें उन जमातों पर पाबंदियाँ लगें और इसके साथ साथ जो 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 आई एस आई का पोलिटिकल विंग है उसका ख़ात्मा भी ज़रूरी है उसको ख़त्म किया जाए इन तीनों पॉइंट से आप अग्री करती हैं या नहीं देखिए जी आ, आ, मैं ये चीज कहूंगी कि सबसे पहले तो देखना है कि कौन ये हरकतें कर रहा है अगर एक विंग जिसका काम आई एस आई का होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग और उसका इंटेलिजेंस शेयरिंग शुड नॉट बी टू मेक और वेट गवर्मेंट तो सबसे ज्यादा तो जो नुक्स है वो तो उस इंस्टीट्यूशन का है ना जो ये हरकत कर रही है उसके बाद वो प्रेशराइज करके या किसी और को बीच में डाल के आगे करे तो उनको तो आप ये नहीं कह सकते ठीक है जी यानी एक बात से तो, बारे बारे तो आपने एग्री कर, तो कर लिया कि वो पॉलिटिकल विंग उनकी ये उनका ये मैंडेट नहीं है वो दूसरे तजावज हैं इसको खत्म होना चाहिए अब हम दूसरे पे आ जाते हैं जिन पार्टीज ने पैसा लिया वो वापस होना चाहिए मुल्क से बाहर भेजा गया और हम लोग जो पाकिस्तान में रह गए हमारे ऊपर भी बहुत से

उसकी हरकत को रोकना चाहिए लेकिन उस, उस हरकत में जो उनको सपोर्ट करता है उसको भी तो रोकना चाहिए तो मुझे क्या जरूरत है नहीं इस हरकत में उनको जो स्ट्रेंथिन करता है देखिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कोई इस्तेमाल हो भी तो रहा है ना क्यों हमारे हमें जेलों में फेंका गया हर बंदा वो जेल का प्रेशर और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता कई लोगों ने एकदम से काफ लीग बनाई और काफ लीग में चले गए आपका कहना बिल्कुल बजाय है लेकिन तो आज का मेरा ये प्रोग्राम नहीं है मैं आपसे सब ये बात जानना चाह रही हूँ कि रिकवरी होनी चाहिए या रिकवरी नहीं होनी चाहिए अगर ये साबित हो जाता है कि पार्टीज ने पैसे लिए थे आए जाए बनाने पहले सबसे पहले तो ये देखना चाहिए किसने किया और किसने किसको क्या दिया उसके बाद आगे देखना चाहिए कि किसने दिया तो क्यों तो 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 जिन जिन जमातों के, के वो इस बात पर ज्यादा वजिद थी पहले तो जो ये देखना चाहिए कि इस्तेमाल किसने किया और क्यों किया और उसने अपने दूसरे तजावज क्यों किया मैं जरा खैरी साहब से बात करती हूँ वहारी साहब वहां ये बातें तो हो गई कि आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसको ख़त्म कर देना चाहिए अब इसमें भी दो राय हैं है, नहीं है अब आगे क्या होगा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी स्टडीज़ हैं जो आपकी रिसर्च है कितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है पोलिटिकल विंग की आई की अभी रिसेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में पाकिस्तान के बात यह है कि सरकारी तौर पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार है कि किसी भी इदारे में कोई नया महकमा कायम कर दे बाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो भुट्टो साहब ने बाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ये एक विंग या ऐसे सेल या कुछ कैसे कायम कर दिया था और मेरे पास मेरे सामने चीफ जस्टिस के सामने जब ये मसला आया तो उन्होंने वो फाइल मंगाई ख़ुद देखा और फिर अटारनी जनरल से पूछा कि आप बताएं कि ये ख़त्म करेंगे या बरकरार रहेगा तो उन्होंने कहा कि हम ख़त्म नहीं करेंगे तो अब जब इतनी अहम बात है और आप ये देखें मेरे सामने ऐसा हुआ मैं सुप्रीम कोर्ट में एक बार बैठा हुआ था कि जिस दिन ये आईएसआई का केस लगा हुआ था ये आप कितनी आ, पुरानी बात बता रहे हैं ये जब इसकी समात हो रही थी असगर खां के केस की नाइन्टी, नाइन्टी, ये जो सोलह साल बाद जो अभी मंजूर अभी समात एक्सेप्ट की थी ठीक है जी जी मैं बैठा हुआ था तो उस दिन हमला हो गया सुप्रीम कोर्ट पर और जी जी वो जो बेंच को जो जिसकी सजारत चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे उसको छोड़कर जाना पड़ा और फिर जब हम उनसे गए गए कि के केस का क्या बनेगा पीछे उनके चैम्बर में जाकर तो उन्होंने कहा कि ये तो अब मुझे पता नहीं कि मैं रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा आप उससे तारीख ले लीजिए तो हमने उससे जाकर तारीख ले ली और उसके बाद से जब शहीद वमानत से जीक़ी साहब ने जमात की तो उन्होंने फिर ये देखा तो ये मसाइल जो हैं ये हमले और मशहूर हो गया कि ये आई एस आई ने कराया और नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी नवाज़ शरीफ साहब ने उस हमले का उस दिन उनको नोटिस भी हुआ था नवाज़ शरीफ साहब को बहरहाल ये ऐसी बात है कि बहुत तकलीफ दे है क्योंकि आ, उस महकमे का इस सेल का मैंडेट ये है के इंतबात को अपनी मर्जी के नतज को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लेकिन अभी ये जो हालिया पॉलिटिक्स है उसमें कितना रोल देख रहे हैं आप पॉलिटिकल विंग का ऐसा है जनाब मैं ये देखता हूँ कि जब तक ये सेल मौजूद है यानी मुनसफाना इंतखा मुमकिन ही नहीं है इसीलिए फंडामेंटल राइट की सब वर्षन है ये और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाया गया है कि वो फंडामेंटल राइट के बगैर वो किसी दरखास्तूशन है।, तो है, कि है कोई है यहाँ पर पैदा हुआ है आज तक जो उसको बंद कर दे जी जी मैं समझता हूँ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पैदा है इस लायक की वो लगाम डाले और सबसे बड़ी खुशक की बात एक और है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत शरीफ आदमी है और सुजा पाशा साहब भी शरीफ हैं ये कानून और आइन के मुताबिक अमल करने के चाहते हैं ठीक है ठीक है एक थोड़ा तो सा मुमकिन है ये ठीक है अखरी साहब मुख्तर साहब देख लूंगी आपने फरमाया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब उनसे उम्मीद है कि वो आएसा का पॉलिटिकल पोलिटिकल विंग बंद कर सकें या उसके साथ उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल नज पापरविश्हारी या डी जी है जो है शुदा पाशाह साहब वो बहुत शरीफ आदमी है वो ज़रूर इसको बंद कर सकेंगे लेकिन अब सवाल तो ये है कि क्या उनको नहीं पता कि पॉलिटिकल विंग रन हो रहा है इसी तरीके से और अगर ये इतने ही शरीफ हैं और हम इस पर ऑफकोर्स ये बात नहीं कह सकते कि वो शरीफ नहीं है लेकिन क्या उनकी नज़रों के सामने यह ऐसा है कि पोलिटिकल विंग काम नहीं कर रहा और उसके साथ साथ इन्हीं अब इन्हीं लोगों के ऊपर ये इज़ामा भी लगाए जा रहे हैं विकी लीग्स कैबल्स के मुताबिक कि इन्हीं हज़रा के या इन्हीं जो हमारा आई एस जो इंस्टीट्यूशन है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाबिल लादिन जब पाकिस्तान में था तो उसे सियासी जमातों से रबतों में मुलाविस नहीं करार दे रहे बल्कि उससे भी और कुछ असरान तो ये भी जानते थे कि अबताबाद में रिहाश वजीर था उसामा बिन लादिन इसमें किस हद तक सच्चाई हो सकती है या किस हद तक कि ये मन घड़ा हो सकता है मुख्तर वापस आते हैं हमारे साथ